बजे रात के हाँ। जंगल के 300 पेड़ कटवाए दी। तो वो पुलिस वाला कहा थे कि नहीं ये कटेगा, कहा थे अभी जंगल ला मांगा थे, पूरे घर बार ला मांगा थे, एक गांव ला मांगा थे, तापमान दिया नहीं देन। हम लोग धरना में 75 दिन तक पिछले साल में बैठे, इसके बाद वहाँ से हम लोग को कोई प्रकार की सुनवाई नहीं मिला। वो बासी खाल बोली समन बासी खान अक्ति मनाए, वो हमारा अक्ति मनाया, ईद की शुभकामना ईद मनाए, वो लगते कि अब हसदेव के पारी है। सो भाई लोग, मेरा नाम है दीपक वर्मा और मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगर बॉय दीपक। और आज भी मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो किसी को सही लगेगा, किसी को बुरा भी लग सकता है, तो जिसको बुरा लग रहा है। तो भैया, आज का जो टॉपिक है वो है हसदेव जंगल के बारे में। तो जितने भी मेरे जो भाई लोग हैं छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो है ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए और लास्ट में बताएं कि इसमें से कौन सही है कौन गलत। जिस धरती ने तुझे जना है, जिस हरियाली से सांस मिलती है, पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है। कोमुरम भी मूडो, कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। हाँ तो भाई लोग, हसदेव जंगल जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तो हो गई जंगल की बात। अब आते हैं कोल माइन की तरफ। तो भैया, हमारे इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर आदमी, अडानी ग्रुप के ओनर गौतम अडानी जी, जिनको हसदेव जंगल में कोयले का मिल गया है भैया खदान। तो गौतम अडानी यहाँ पर 2,00,000 पेड़ को कटवा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर कोल माइन बन सके, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ का जो एरिया है वो डेवलप होगा। अच्छा चलो, मैंने मान लिया कि वो एरिया जो है डेवलप होगा, लेकिन भैया आप वहाँ पर 2,00,000 पेड़ भी तो कटवा रहे हो और वहाँ कोल माइन भी बनेगा, तो एरिया जो है पल्यूट होगा, ये कोई नहीं बोल रहा है इस टाइम पे। अच्छा, एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे आप पहले ये चीज़ देखो और थोड़ा इसको पढ़ो, पढ़ लिए। ये जो है 2018 का ट्वीट है भूपेश बघेल का, और इसमें क्या लिखा है आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो जब ये बोल रहे हैं कि अडानी ग्रुप जो है इनके साथ मिलकर पूरा हसदेव जंगल को कटवा रहे हैं, तो भैया अभी तो शासन आपके हाथों में है, आप तो रोक सकते हो ना भाई इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अब कहाँ चला गया, जब हाथ में जो है शासन आ गया तो फिर बोलती बंद हो गई। देखो यार, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, और ये नहीं कि मैं इस चीज़ के बारे में खुद अकेला बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और एक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो भाई लोग, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इतना शेयर करो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी देखे। थैंक यू।